दुखद खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर और योगी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। चेतन चौहान कोरोना संक्रमित थे और गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। 73 साल की उनकी उम्र थी और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से बताया जा रहा है उन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली मेदांता अस्पताल में। इससे पहले लखनऊ में वो भर्ती थे, फिर उन्हें गुड़गांव लाया गया और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी था, जहां उन्होंने अब से कुछ देर पहले आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर रहे चेतन चौहान अब नहीं रहे। चेतन चौहान का निधन हो गया है। वो कोरोना संक्रमित भी थे और उनकी हालत पिछले कुछ दिनों में कोई उसमें सुधार नहीं देखा गया था, वो बिगड़ती जा रही थी और मल्टी ऑर्गन फेलियर जो फिलहाल बता रहे हैं कि एक रीजन था। ज्यादा जानकारी लेंगे। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, क्या वजह पता चल पाई है कि कोरोना की वजह से या कोई और दिक्कतें भी थी चेतन चौहान को? ठीक है, कोरोना की वजह से उनकी हालत खराब थी और उनको मेदांता में शिफ्ट किया गया था, जहां पर वो पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर पे थे। ये कहा जा रहा है कि कुछ उनको किडनी की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन कोरोना से उनकी मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। और इसके पहले योगी सरकार के एक और मंत्री कमला रानी वरुण की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। तो इस तरह से योगी सरकार के 2 मंत्रियों की कोरोना से मौत हुई है। बिल्कुल, और जिस तरह से चेतन चौहान के निधन की खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि उनका ऑर्गन्स भी फेल हो गया था। डॉक्टरों की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है? देखिए, वो गुरुग्राम के वेदांता में भर्ती थे और मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और जैसा मैंने बताया कि उनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी, कोरोना पहले पॉजिटिव निकला था, यहाँ पे अस्पताल में लखनऊ में भर्ती थे, लेकिन फिर जब हालत ज्यादा खराब हुई तो उनको मेदांता में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे वो वेंटिलेटर पे थे और किडनी की भी उनको समस्या बताई जा रही है। और उसके बाद आज उनकी निधन की सूचना आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी ये दोहरा झटका होगा। इससे पहले मंत्री कमला रानी और उसके बाद अब एक और मंत्री का निधन हो गया है। दोनों ही कोरोना संक्रमित थे और जिस तरह से आप बता रही हैं कि पिछले 2 दिन से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, पूर्व क्रिकेटर और फिर अब योगी सरकार में मंत्री, यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का अब से कुछ देर पहले निधन हुआ है। आपको बता दें कि 73 साल की उनकी उम्र थी और इंडियन क्रिकेटर वो रह चुके हैं चेतन चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री थे और कुछ दिन पहले वो कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद लखनऊ में पीजीआई में उनका इलाज किया गया। हालत न सुधरने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया और आज उन्होंने अब से कुछ देर पहले आखिरी सांस ली। रुचि, चेतन चौहान के परिवार में कौन कौन था, क्या किसी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है फिलहाल? देखिए, उनके परिवार के लोग सब उनके साथ वहीं अस्पताल में थे और इधर हालत उसकी ज्यादा खराब हुई थी, कोरोना था। हालांकि योगी सरकार के और भी मंत्री को कोरोना हुआ है, लेकिन वो ठीक हो गए थे। जो बीजेपी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बसंत देव सिंह, उनको भी कोरोना हुआ है। जो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, उनको भी कोरोना हुआ है, लेकिन वो ठीक हो गए। चेतन चौहान की हालत ज्यादा खराब हुई थी, उससे उसको वेदांता शिफ्ट किया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई है। जी, और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कोई बयान जारी हुआ है? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो मंत्री चेतन चौहान है उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और बहुत बड़े क्रिकेटर चेतन चौहान रहे हैं, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर गावस्कर के साथ जो उनकी पारियां थी वो सबको याद रही है। तो एक महान क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री का जब निधन हुआ है तो मुख्यमंत्री ने उस पर शोक व्यक्त किया है। बिल्कुल रुचि, और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के लिए कोरोना की वजह से हुए डेथ में इसे दोहरा झटका माना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। यूपी में इधर हाल में बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके बाद उनके मंत्रियों का इस तरह से जाना, पहले कमला रानी वरुण की अगस्त के शुरू में मौत हुई और उसके बाद अब चेतन चौहान की डेथ हो गई है। तो हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी अनलॉक 2 की समीक्षा की है और जिस तरह से लखनऊ और गोरखपुर में केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन्होंने यहाँ सतर्कता बढ़ाने को कहा है। लेकिन अगर मंत्री की मौत हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि कैबिनेट में और भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन सब स्वस्थ हुए, रिकवर हो गए, लेकिन इससे पहले मंत्री कमला रानी का निधन हुआ और अब यूपी कैबिनेट में ही मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन, जिस तरह से जो जानकारी रुचि ने दी, चेतन चौहान का आज शाम 4:30 बजे मेदांता अस्पताल में निधन हुआ।
रुचि बने रहेगा हमारे साथ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं, एक बड़ा झटका कोरोना की वजह से यूपी गवर्नमेंट के दूसरे मंत्री चेतन चौहान का आज निधन हुआ। ये बेहद ही दुखद है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूरे परिवार को चेतन चौहान जी के मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए और खेल जगत के लिए भी और पूरे भारतवर्ष के लिए। वो बड़े ही मृदुभाषी और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और मुझे याद है, स्मरण है कि हम लोग एक SCBA में मैच कराते थे, CBI 11 वर्सेस जो है लॉयर्स का। तो उस वक्त वो इंचार्ज थे और बिना कुछ कहे जिस तरह से उन्होंने सब कुछ किया, मैं समझता हूँ कि ये दिखाता है किस तरह के व्यक्ति वो थे। और उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो अपना योगदान जो उन्होंने किया है वो हमेशा याद किया जाएगा। और बड़े भारी मन से उनको याद करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया, जो दुख जता रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि एक बड़ा झटका है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चेतन चौहान का निधन, जिनके साथ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कई मैचेस का भी आयोजन करवाया था और उत्तर प्रदेश में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पार्टी नहीं भुला पाएगी।